एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊँगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार, वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों, आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर। वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है और जो G5 का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का जो बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था 70 करोड़ का। मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है। और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स बिके होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो यह मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट BGM जो कि ऐसा मैंने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी की जो हिंदी डबिंग काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी के डबिंग को करवाया था बी फॉर यू ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था G5 को, जी के पास पूरा राइट्स है। और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्या, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर, राव रमेश। इसके अलावा आपको छमक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी, गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांड सुदर्शन और सॉरी गुंडा सुदर्शन सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए, तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन,
कि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आती है यहाँ पर देखने को मिलती है। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है जो काफ़ी सही भी है और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। टीवी के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होंगे इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो यार जी फाइव पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो जी फाइव के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है और इसके अलावा ये मूवी टीवी पर अक्सर आती रहती है। जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। तो आप इस मूवी को टीवी के ऊपर ही चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल वर्ल्ड प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें वो मुझे काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, वो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊंगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएगी जी फाइव के ऑफिशियल ऐप पर, वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। और जो जी फाइव का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था 70 करोड़ का, मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है। और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स बिके होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो ये मूवी आपके लिए है क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट बीजीएम जो कि ऐसा मैंने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी की जो हिंदी डबिंग काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी की डबिंग को करवाया था बी फॉर यू ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था जी फाइव को, जी को, जी के पास पूरा राइट्स है और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्या, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर राव रमेश, इसके अलावा आपको छमक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी, गीता, रघु आदित्य, सी वी एल नरसिम्हा राव, रघु बाबू,
नागेडडू, संपत राज, जीववा, गांड सुदर्शन और सॉरी गुंडा सुदर्शन, सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्माजी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए, तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है, जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी है उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का, उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं। वो उनको हमेशा हर वक्त पे उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, कि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आती है। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है, जो काफ़ी सही भी है और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था, क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। टीवी के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो, तो यार जी फाइव पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो जी फाइव के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है, और इसके अलावा ये मूवी टीवी पर अक्सर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। तो आप इस मूवी को टीवी के ऊपर ही चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल वर्ल्ड प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी, मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें, वो जो काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, जो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊंगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो, ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएंगी जी फाइव के ऑफिशियल ऐप पर, वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। और जो जी फाइव का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का जो बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था 70 करोड़ का, मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है।
और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स बिके होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में, और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो यह मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट BGM जो कि ऐसा ने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी की जो हिंदी डबिंग है काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी की डबिंग को करवाया था B4U ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था G5 को, जी के पास पूरा राइट्स है। और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्या, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर, राव रमेश। इसके अलावा आपको छमक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी, गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांड सुदर्शन और सॉरी गुंडा सुदर्शन सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए, तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी है उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त पे उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, कि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आती है। वो उनके भतीज मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है जो काफ़ी सही भी है, और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। टीवी के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। क्योंकि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होगे इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो, तो यार G5 पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो G5 के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है। और इसके अलावा ये मूवी TV पर अक्सर आती रहती है, जो जी सिनेमा का TV चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। तो आप इस मूवी को TV के ऊपर ही चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल वर्ल्ड प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी, मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव हो, सारी बातें, वो जो काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, वो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो
ज़रूर दिखेगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊंगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार, वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों, आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर। वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है और जो G5 का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का जो बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था 70 करोड़ का। मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है। और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स भी किए होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो ये मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट BGM जो कि ऐसा ने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी के जो हिंदी डबिंग काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी की डबिंग को करवाया था B4U ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था जी के पास पूरा राइट्स है। और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्या, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर राव रमेश। इसके अलावा आपको छमक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी, गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांड सुदर्शन और सॉरी गुंडा सुदर्शन सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी है उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त पे उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे
क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, कि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आती है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है जो काफ़ी सही भी है, और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। टीवी के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होंगे इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो यार जी फाइव पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो जी फाइव के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है, और इसके अलावा ये मूवी टीवी पर अक्सर आती रहती है। जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। तो आप इस मूवी को टीवी के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल वर्ल्ड प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश है उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें, वो मुझे काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, वो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊँगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएगी जी फाइव के ऑफिशियल ऐप पर, वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। और जो जी फाइव का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का जो बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था 70 करोड़ का, मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है। और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स भी किए होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो ये मूवी आपके लिए है क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट बीजीएम जो कि ऐसा ने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी की जो हिंदी डबिंग है काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी की डबिंग को करवाया था बी फॉर यू ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था जी फाइव को, जी को, जी के पास पूरा राइट्स है और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्य, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर राव रमेश, इसके अलावा आपको छम्मक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी,
गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांडू सुदर्शन, और सॉरी गुंडा सुदर्शन, सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए, तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है, जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे, तो उनकी जो होने वाली पत्नी है उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त पे उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, कि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आती है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है, जो काफ़ी सही भी है और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था, क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था। जब मैंने इस मूवी को देखा था टीवी के ऊपर, मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो, तो यार G5 पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो G5 के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है, और इसके अलावा ये मूवी टीवी पर अक्सर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। तो आप इस मूवी को टीवी के ऊपर भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी, मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें, वो मुझे काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, वो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊँगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो, ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है, और जो G5 का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं, जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का जो बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था
70 करोड़ का। मतलब ये मूवी एक बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है। और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स बिके होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में, और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो ये मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट BGM जो कि ऐसा ने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी की जो हिंदी डबिंग है काफ़ी कमाल की लग रही है, और इस मूवी की डबिंग को करवाया था B4U ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था G5 को, जी के पास पूरा राइट्स है। और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्या, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर, राव रमेश। इसके अलावा आपको छमक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी, गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांड सुदर्शन और सॉरी गुंडा सुदर्शन सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए, तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी है उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त पे उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, कि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आती है। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है, जो काफ़ी सही भी है और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था, क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। टीवी के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो, तो यार G5 पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो G5 के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है। और इसके अलावा ये मूवी TV पर अक्सर आती रहती है, जो जी सिनेमा का TV चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। तो आप इस मूवी को TV के ऊपर भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर यह मूवी यूट्यूब पर आएंगी, मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें, वो जो काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, वो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो
ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था। फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊंगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार, वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों, आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर। वहाँ पर यह मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है और जो G5 का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं, जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था 70 करोड़ का। मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है। और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स बिके होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो ये मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट BGM जो कि ऐसा मैंने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी के जो हिंदी डबिंग काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी के डबिंग को करवाया था B4U ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था G5 को, जी के पास पूरा राइट्स है। और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्या, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर राव रमेश। इसके अलावा आपको छमक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी, गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांड सुदर्शन और सॉरी गुंडा सुदर्शन सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त पे उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्त की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे,
क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, क्योंकि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है जो काफ़ी सही भी है, और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था क्योंकि मूवी की कहानी ही इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। टीवी के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होंगे इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो यार G5 पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो G5 के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है, और इसके अलावा ये मूवी टीवी पर अक्सर आती रहती है। जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। तो आप इस मूवी को टीवी के ऊपर भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें वो मुझे काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, वो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊँगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। और जो G5 का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का जो बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था 70 करोड़ का, मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है। और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स बिके होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो ये मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट BGM जो कि ऐसा मैंने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी के जो हिंदी डबिंग काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी के डबिंग को करवाया था B4U ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था G5 को, जी के पास पूरा राइट्स है और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्या, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर राव रमेश, इसके अलावा आपको छमक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी,
गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांडू सुदर्शन, और सॉरी गुंडा सुदर्शन, सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए, तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है, जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी है उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त पे उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्त की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, क्योंकि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आती है। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है, जो काफ़ी सही भी है, और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। टीवी के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होगे इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो, तो यार G5 पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो G5 के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है। और इसके अलावा ये मूवी TV पर अक्सर आती रहती है, जो जी सिनेमा का TV चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी, तो आप इस मूवी को TV के ऊपर ही चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा, आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी, मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें, वो मुझे काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, वो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊँगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। और जो G5 का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का जो बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था 70 करोड़ का, मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है।
और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स बिके होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में, और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो यह मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट बीजीएम जो कि एस एम ने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी की जो हिंदी डबिंग काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी की डबिंग को करवाया था बी फॉर यू ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था जी फाइव को, जी को, जी के पास पूरा राइट से, और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्या, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर, राव रमेश। इसके अलावा आपको छमक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी, गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांडू सुदर्शन और सॉरी गुंडा सुदर्शन सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए, तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्त की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, कि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आती है। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है, जो काफ़ी सही भी है और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था, क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। TV के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होगे इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो, तो यार G5 पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो G5 के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है। और इसके अलावा ये मूवी TV पर अक्सर आती रहती है, जो जी सिनेमा का TV चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी, तो आप इस मूवी को TV के ऊपर ही चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल वर्ल्ड प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा, आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी, मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें, वो जो काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, वो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो
ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊंगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। और जो G5 का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का जो बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था 70 करोड़ का, मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है। और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स बिके होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो ये मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट BGM जो कि ऐसा मैंने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी की जो हिंदी डबिंग काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी की डबिंग को करवाया था B4U ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था जी के पास पूरा राइट से, और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्य, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर राव रमेश, इसके अलावा आपको छमक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी, गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांड सुदर्शन और सॉरी गुंडा सुदर्शन सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे,
क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, क्योंकि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आती है। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है जो काफ़ी सही भी है, और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। टीवी के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होगे इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो, तो यार जी फाइव पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो जी फाइव के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है, और इसके अलावा ये मूवी टीवी पर अक्सर आती रहती है। जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी, तो आप इस मूवी को टीवी के ऊपर ही चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल वर्ल्ड प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें, वो मुझे काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, वो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊंगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएगी जी फाइव के ऑफिशियल ऐप पर, वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। और जो जी फाइव का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था 70 करोड़ का, मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है। और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स भी किए होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो ये मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट बीजीएम जो कि ऐसा मैंने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी, तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी की जो हिंदी डबिंग काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी की डबिंग को करवाया था बी फॉर यू ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था जी के पास पूरा राइट्स है, और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्य, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर, राव रमेश, इसके अलावा आपको छमक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी,
गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांड सुदर्शन, और सॉरी गुंडा सुदर्शन, सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए, तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है, जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी है उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त पे उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, क्योंकि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आती है। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है, जो काफ़ी सही भी है और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था, क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। टीवी के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो, तो यार जी फाइव पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो जी फाइव के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है। और इसके अलावा ये मूवी टीवी पर अक्सर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। तो आप इस मूवी को टीवी के ऊपर ही चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल वर्ल्ड प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी, मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें, वो मुझे काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, वो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊंगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएंगी जी फाइव के ऑफिशियल ऐप पर, वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। और जो जी फाइव का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का जो बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था
70 करोड़ का। मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है। और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स बिके होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में, और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो यह मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट BGM जो कि ऐसा मैंने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी की जो हिंदी डबिंग काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी के डबिंग को करवाया था B4U ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था G5 को, जी के पास पूरा राइट्स है। और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्या, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर, राव रमेश। इसके अलावा आपको छमक चंद्रा, खाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी, गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांड सुदर्शन और सॉरी गुंडा सुदर्शन सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए, तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी है उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त पे उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, कि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आती है। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है जो काफ़ी सही भी है, और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। TV के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो यार G5 पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो G5 के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है। और इसके अलावा ये मूवी TV पर अक्सर आती रहती है, जो जी सिनेमा का TV चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। तो आप इस मूवी को TV के ऊपर ही चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर यह मूवी यूट्यूब पर आएंगी, मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें, वो जो काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, वो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो
ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊंगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएंगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर। वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है और जो G5 का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था 70 करोड़ का। मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है। और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स भी किए होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो यह मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट BGM जो कि ऐसा ने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी की जो हिंदी डबिंग काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी की डबिंग को करवाया था B4U ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था G5 को, जी के पास पूरा राइट्स है। और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्या, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर राव रमेश। इसके अलावा आपको छमक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी, गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांड सुदर्शन और सॉरी गुंडा सुदर्शन सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी है उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त पे उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्त की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे
क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेगा, फाइट सीन, कि यहाँ पर वेनकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आती है देखने को मिलेगा। और वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है जो काफ़ी सही भी है, और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। टीवी के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होगे इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो, तो यार जी फाइव पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो जी फाइव के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है, और इसके अलावा ये मूवी टीवी पर अक्सर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। तो आप इस मूवी को टीवी के ऊपर ही चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल वर्ल्ड प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें, वो जो काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊँगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएंगी जी फाइव के ऑफिशियल ऐप पर, वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। और जो जी फाइव का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का जो बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था 70 करोड़ का, मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है। और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स भी किए होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो ये मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट बीजीएम जो कि ऐसा ने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी, तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी की जो हिंदी डबिंग काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी की डबिंग को करवाया था बी फॉर यू ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था जी फाइव को, जी को, जी के पास पूरा राइट्स है और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्या, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर राव रमेश, इसके अलावा आपको छम्मक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी,
गीता, रघु आदित्य, सी वी एल नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा, गांड सुदर्शन और सॉरी गुंडा सुदर्शन, सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए, तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है, जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी है उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त पे उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, क्योंकि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आती है। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है, जो काफ़ी सही भी है और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था, क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। टीवी के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो, तो यार जी फाइव पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो जी फाइव के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है। और इसके अलावा ये मूवी टीवी पर अक्सर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। तो आप इस मूवी को टीवी के ऊपर भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल वर्ल्ड प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी, मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश है उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें, वो जो काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, जो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊंगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएगी जी फाइव के ऑफिशियल ऐप पर, वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। और जो जी फाइव का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का जो बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था 70 करोड़ का, मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है।
और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स भी किए होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में, और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो ये मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट BGM जो कि ऐसा ने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी के जो हिंदी डबिंग काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी के डबिंग को करवाया था B4U ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था G5 को, जी के पास पूरा राइट्स है। और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDB की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्या, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर, राव रमेश। इसके अलावा आपको छम्मक चंद्रा, खाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी, गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांड सुदर्शन और सॉरी गुंडा सुदर्शन सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए, तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी है उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त पे उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, कि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आती है। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है जो काफ़ी सही भी है, और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। TV के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होगे इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो, तो यार G5 पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो G5 के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है। और इसके अलावा ये मूवी TV पर अक्सर आती रहती है, जो जी सिनेमा का TV चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी, तो आप इस मूवी को TV के ऊपर भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल वर्ल्ड प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश है उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें, वो जो काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, वो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो
ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊंगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर। वहाँ पर यह मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है और जो G5 का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का जो बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था 70 करोड़ का। मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है। और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स भी किए होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो ये मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट BGM जो कि ऐसा मैंने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी की जो हिंदी डबिंग है काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी की डबिंग को करवाया था B4U ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था G5 को, जी के पास पूरा राइट्स है। और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्या, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर, राव रमेश। इसके अलावा आपको छमक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी, गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांड सुदर्शन और सॉरी गुंडा सुदर्शन सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी है उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त पर उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्त की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे,
क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, कि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है जो काफ़ी सही भी है, और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। टीवी के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होंगे इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो। तो यार G5 पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो G5 के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है, और इसके अलावा ये मूवी टीवी पर अक्सर आती रहती है। जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। तो आप इस मूवी को टीवी के ऊपर ही चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें, वो मुझे काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, वो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊँगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। और जो G5 का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का जो बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था 70 करोड़ का, मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है। और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स बिके होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो ये मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट BGM जो कि ऐसा मैंने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी के जो हिंदी डबिंग काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी के डबिंग को करवाया था B4U ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था G5 को, जी के पास पूरा राइट्स है और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्या, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर राव रमेश, इसके अलावा आपको छमक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी,
गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांडू सुदर्शन, और सॉरी गुंडा सुदर्शन, सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए, तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है, जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी है उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त पे उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, क्योंकि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है, जो काफ़ी सही भी है और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था, क्योंकि मूवी की कहानी ही इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। टीवी के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो, तो यार G5 पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो G5 के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है। और इसके अलावा ये मूवी TV पर अक्सर आती रहती है, जो जी सिनेमा का TV चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी, तो आप इस मूवी को TV के ऊपर ही चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा, आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी, मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें, वो मुझे काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, वो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊँगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। और जो G5 का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का जो बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था 70 करोड़ का, मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है।
और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स बिके होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में, और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो ये मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट बीजीएम जो कि ऐसा मैंने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी की जो हिंदी डबिंग काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी की डबिंग को करवाया था बी फॉर यू ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था G5 को, जी के पास पूरा राइट्स है और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्या, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर राव रमेश, इसके अलावा आपको छमक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी, गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांड सुदर्शन और सॉरी गुंडा सुदर्शन सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, कि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आती है। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है जो काफ़ी सही भी है और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। टीवी के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। चूँकि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होंगे इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो, तो यार G5 पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो G5 के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है। और इसके अलावा ये मूवी टीवी पर अक्सर आती रहती है, जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। तो आप इस मूवी को टीवी के ऊपर ही चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल वर्ल्ड प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें, वो जो काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, वो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो
ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था। फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊँगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार, वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों, आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर। वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर। तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है और जो G5 का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं, जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का जो बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था 70 करोड़ का। मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है। और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स बिके होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो ये मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट BGM जो कि ऐसा मैंने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी के जो हिंदी डबिंग काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी के डबिंग को करवाया था B4U ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था जी के पास पूरा राइट से, और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्या, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर, राव रमेश। इसके अलावा आपको छमक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी, गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांडू सुदर्शन और सॉरी गुंडा सुदर्शन सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्त की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे,
क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, क्योंकि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है जो काफ़ी सही भी है, और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। टीवी के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होगे इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो, तो यार जी फाइव पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो जी फाइव के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है, और इसके अलावा ये मूवी टीवी पर अक्सर आती रहती है। जो जी सिनेमा का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी, तो आप इस मूवी को टीवी के ऊपर ही चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल वर्ल्ड प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें, वो जो काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, वो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊंगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत जरूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएगी जी फाइव के ऑफिशियल ऐप पर, वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। और जो जी फाइव का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का जो बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था 70 करोड़ का, मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है। और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स भी किए होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो ये मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट बीजीएम जो कि ऐसा मैंने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी, तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी। और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी की जो हिंदी डबिंग काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी की डबिंग को करवाया था बी फॉर यू ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था जी फाइव को, जी को, जी के पास पूरा राइट्स है और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्य, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर, राव रमेश, इसके अलावा आपको छमक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी,
गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांड सुदर्शन, और सॉरी गुंडा सुदर्शन, सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए, तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है, जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी है उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त पे उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, क्योंकि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आती है। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है, जो काफ़ी सही भी है और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था, क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। टीवी के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो, तो यार G5 पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो G5 के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है। और इसके अलावा ये मूवी TV पर अक्सर आती रहती है, जो जी सिनेमा का TV चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। तो आप इस मूवी को TV के ऊपर ही चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल वर्ल्ड प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी, मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें, वो जो काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, वो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था, फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी। एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वैंकी मामा। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो सही जगह पर आए हो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये मूवी हिंदी भाषा में कहाँ पर अवेलेबल है और आप इस मूवी को कहाँ पर से देख पाएंगे। साथ में इस मूवी के बारे में आपको शानदार फैक्ट बताऊंगा, मूवी की कहानी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी साउथ की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर मैं जो नई नई साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में आपको रिव्यू देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं पहले इस मूवी के बारे में और मूवी कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा बहुत ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग वीडियो को बिना देखे ही स्किप करके भाग जाते हैं और फिर बाद में कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि मूवी नहीं, मूवी कहाँ पर है। तो यार वीडियो को थोड़ा बहुत देख लिया करो ताकि आपको मूवी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अगर बात करें मूवी के जो कलेक्शन उसके बारे में, दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक एवरेज रही थी। अब बात करते हैं कि मूवी कहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं वो भी एकदम फ्री में, तो ये मूवी आपको मिल जाएगी G5 के ऑफिशियल ऐप पर, वहाँ पर ये मूवी एकदम फ्री में अवेलेबल है हिंदी भाषा में। अगर आप लोग इस मूवी को तेलुगु भाषा में देखना चाहते हो तो वो भी आपको एकदम फ्री में मिलेंगी डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर, तो वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है। और जो G5 का ऐप है वहाँ पर भी मूवी फ्री में अवेलेबल है, तो आप इस मूवी को दोनों जगह से देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। इस मूवी का जो बजट था 35 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर कारोबार किया था
70 करोड़ का। मतलब ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी हिट साबित होती है। और अगर इस मूवी के टीवी राइट्स और हिंदी राइट्स बिके होंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मूवी ब्लॉकबास्टर नहीं बल्कि हिट तो ज़रूर हो चुकी है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के मेन कास्ट के बारे में, और मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग भी दोस्तों एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिले जो आपको एंड तक बांधे रखे, तो ये मूवी आपके लिए है। क्योंकि इस मूवी का सुपर हिट BGM जो कि ऐसा मैंने दिया है, साथ में इस मूवी की कहानी इतनी कमाल की है जो आपको बोर नहीं कराएंगी। तो मूवी को ज़रूर देखिएगा, मूवी आपको पसंद आएगी और आप इस मूवी को बेशक आपकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ देख सकते हैं। मूवी की जो हिंदी डबिंग है काफ़ी कमाल की लग रही है और इस मूवी की डबिंग को करवाया था बी फॉर यू ने, जो कि दोस्तों काफ़ी सही लग रही है। और बाद में इन्होंने इस मूवी को बेच दिया था G5 को, जी के पास पूरा राइट्स है। और ये मूवी आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि जी ने इस मूवी को बाय कर लिया है। अब जी ही चाहेगा वही वो करेगा कि इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ करना है कि नहीं करना है। अगर दोस्तों बात करें इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 5.4 की, जो कि काफ़ी कमाल की रेटिंग है। और इस मूवी को 78% लोगों ने लाइक किया था गूगल की तरफ से। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो मूवी है उसके अंदर हमें कौन कौन देखने को मिलेगा और मूवी की कहानी क्या है। इस मूवी के मैन कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे वेंकटेश, नागा चैतन्य, राशि खन्ना, प्रकाश राज, पायल राजपूत, नसर, राव रमेश। इसके अलावा आपको छमक चंद्रा, हाइपर आदि, अर्जुन कुमार दासरी, गीता, रघु आदित्य, CVL नरसिम्हा राव, रघु बाबू, नागेडू, संपत राज, जीववा गांड सुदर्शन और सॉरी गुंडा सुदर्शन सॉरी गुंडू सुदर्शन। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर किशोर, पराग त्यागी, ब्रह्मा जी और भी बहुत सारे कास्ट इस मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी सही है और वो आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर दोस्तों बात करें कि इस मूवी के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, तो इस मूवी के अंदर आपको एक कह सकते हैं कि ड्रामा टाइप कहानी देखने को मिलेंगी और एक्शन भी देखने को मिलता है। मूवी का जो रन टाइम है वो लगभग 2 घंटे 24 मिनट का है, जो आपको बोर नहीं कराएगा। आप इस मूवी को बिंदास देख पाएंगे, मूवी आपको ज़रा भी बोर नहीं कराएंगी। अगर मूवी की कहानी के बारे में बात की जाए तो जो वेंकटेश है वो यहाँ पर नागा चैतन्य के मामा होते हैं। अब यहाँ पर मूवी जब कहानी स्टार्ट होगी तब वो 1993 से स्टार्ट होगी, जहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि एक भविष्यवाणी हुई है जहाँ पर जो नागा चैतन्य है वो किसी और से शादी करेंगे तो उनकी जो होने वाली पत्नी उनकी मौत हो जाएंगी। अब यहाँ पर यह बात कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवाएंगे, बट यहाँ पर जो नागा चैतन्य है उनके माता पिता की डेथ हो जाती है इस मूवी के अंदर, जो कि बहुत बुरी हालत होती है उस टाइम पर। फिर यहाँ पर नागा चैतन्य जो है वो ज्वाइन करते हैं आर्मी। अब यहाँ पर जो वेंकटेश है वो उनको जो रास्ता था कि शादी ना करने का उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं, वो उनको हमेशा हर वक्त उनकी हेल्प करते हैं, दोनों दोस्त की तरह रहते हैं साथ में। और भी बहुत सारे ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी का जो कैंप होता है वहाँ पर भी बहुत सारे सीन आपको देखने को मिलेंगे, फाइट सीन, कि यहाँ पर वेंकटेश डायरेक्ट घुस जाते हैं और वो काफ़ी सारे सीन क्रिएट होते हैं जो कॉमेडी भी आती है। वो उनके भतीजे मतलब उनके जो रिलेटिव उनको ढूंढने से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और भी बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को ना अब तक एक अवार्ड मिल चुका है जो काफ़ी सही भी है, और इस मूवी को मिलना भी चाहिए था क्योंकि मूवी की कहानी इतनी ज़बरदस्त थी ना कि भाई सच में मज़ा आ गया था जब मैंने इस मूवी को देखा था। TV के ऊपर मैंने इस मूवी को देखा था और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिएगा आपकी पूरी फैमिली के साथ, मूवी आपको पसंद आएगी। जो कि अब बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते होंगे इसलिए आप लोग इस वीडियो पर आए हो, तो यार G5 पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ये मूवी एकदम फ्री में मिल जाएंगी। तो G5 के ऐप पर जाकर आप इस मूवी को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी जो डबिंग है वो इस मूवी की है। और इसके अलावा ये मूवी TV पर अक्सर आती रहती है, जो जी सिनेमा का TV चैनल है वहाँ पर ये मूवी आपको अक्सर देखने को मिलेंगी। तो आप इस मूवी को TV के ऊपर ही चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये मूवी मिल जाएगी। अगर इस मूवी का ऑफिशियल प्रीमियर होता है मैं आप सभी को बता दूंगा। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैं जो नई नई मूवीज आती हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और इस मूवी के बारे में मुझे कुछ और न्यूज़ मिलेंगी या फिर ये मूवी यूट्यूब पर आएंगी, मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। यहाँ पर स्पेशली जो वेंकटेश उनकी एक्टिंग मुझे काफ़ी कमाल की लगी, जिस तरह से वो आर्मी के जो कैंप है वहाँ पर घुस जाते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये मेरा रिलेटिव है, सारी बातें, वो जो काफ़ी मज़ा आया था उस टाइम पर, वो सीन जब आया था तब, तो काफ़ी सही है। तो
ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा था। फैमिली के साथ देख सकते हैं, काफ़ी सही मूवी है जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी।